पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के बशीरहाट में सांप्रदायिक तनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों का प्रतिनिधि मंडल प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। सीपीआईएम के सांसद मोहम्मद सलीम के नेतृत्व में जा रहे वाम प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने बशीरहाट से करीब 50 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने एक बार फिर से वहां जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने इसके साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में बशीरहाट जा रहे कांग्रेस नेताओं के दल को भी रोक दिया, जबकि बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली को माइकल नगर में रोक दिया गया। इस बीच पुलिस ने बशीरहाट जाने वाले रास्तों की निगरानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि एक युवक द्वारा आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट किए जाने के बाद बशीरहाट के बदुरिया और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के घर में आग लगा दी थी। बशीरहाट में गुरुवार को भी हिंसक प्रदर्शन हुए। भड़की हिंसा के बाद सरकार ने प्रभावित इलाकों में फिलहाल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों को भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने इस बीच विवादित फेसबुक पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं हिंसा की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी एक कमेटी का गठन किया है। बीजेपी की कमेटी में ओम माथुर, मीनाक्षी लेखी और कैलाश विजयवर्गीय है। कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी भी है। गुरुवार को कैलाश विजयवर्गीय पार्टी नेताओं के साथ हिंसा में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे, जहां उन्हें प्रशासन ने रोक दिया। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। तो आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बाद बशीरहाट में तनाव बरकरार है। इस बीच आज कई सियासी दलों ने वहां पहुंचना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम और राज्यपाल ने सबसे शांति बनाए रखने की अपील की है। देखते रहिए डीबी लाइव।